मुख्यमंत्री जी का क्या गृह मंत्री जी के प्रति इतना डर है? मैंने देखा कि नीतीश कुमार जी बहुत चिंतित हैं और जब भी नीतीश कुमार जी अपनी उपलब्धि बताते हैं तो या तो सड़क में बताते हैं या स्वास्थ्य में बताते हैं। 50 बीघा जमीन बता दे बिहार में जो 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वह बाढ़ से पूरे तौर पर मुक्त हुआ। केश जी, उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं माननीय नीतीश जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि 17 साल के उनके शासन के बाद याद आया कि पहली बार आज बिहार सरकार द्वारा किसी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और बिहार सरकार में सदैव जयंती की परंपरा रही है। माननीय जयप्रकाश जी की जयंती 11 अक्टूबर को है। कल अचानक उनको ध्यान में आया कि बिहार सरकार को पुण्यतिथि मनाना चाहिए, तो यह मुख्यमंत्री जी का क्या गृह मंत्री जी के प्रति इतना डर है कि वह उनके समक्ष या वहाँ पर जाने से भी उनको भय लग रहा है कि उनकी पॉपुलैरिटी के आगे इनको कोई पूछेगा नहीं और इसलिए आज तक कभी उन्होंने सीताब जेरा की चिंता नहीं की। पहली बार नितिन जी ने वह पूरी सड़क बनाई और 5 महीने पहले वह सड़क बन गई थी, उसका उद्घाटन कल किया गया है। साथ ही मैंने देखा कि नीतीश कुमार जी बहुत चिंतित हैं कि सीताब दियारा में बाढ़ के प्रबंधन के लिए। मैं जल संसाधन समिति का अध्यक्ष रहा हूं। 2021 में जल संसाधन समिति के लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मैं पटना आया था और पटना के सभी पदाधिकारियों से मेरी बातचीत हुई थी। मुझे प्रधान सचिव जी ने उस समय रिपोर्ट किया था कि 2021 में कि 3 सालों में बिहार सरकार बाढ़ नियंत्रण पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है। मैंने प्रधान सचिव जी से पूछा कि 5,000 करोड़ आपने खर्च किया है तो कृपया कर 50 बीघा जमीन बिहार का बता दीजिए जिसको आपने बाढ़ के विभीषिका से मुक्त कर दिया। उनके पास कोई जवाब नहीं था। कल मैंने देखा कि माननीय नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश के लिए इतना चिंतित हैं कि उत्तर प्रदेश में बांध का एक प्रोजेक्ट है जिसको पूरा होना चाहिए, तो आज मैंने भी नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है कि उत्तर प्रदेश के लिए चिंता अच्छी बात है, थोड़ी सी चिंता बिहार के भी बाढ़ के लिए कर लें। बिहार सरकार में अगर 2 मुख्य विभाग देखें, सड़क और स्वास्थ्य, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के पास था और जब भी नीतीश कुमार जी अपनी उपलब्धि बताते हैं तो या तो सड़क में बताते हैं या स्वास्थ्य में बताते हैं। उसी प्रकार 2 प्रमुख विभाग जदयू के पास था, वह है जल संसाधन और शिक्षा। तो नीतीश कुमार जी से मेरा अनुरोध रहेगा कि उनके तो प्रधान सचिव हमको नहीं बता सके, मैंने आज नीतीश कुमार जी को पत्र लिखा है, वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखते हैं, मैंने उनको पत्र लिखा है कि कृपया कर 50 बीघा जमीन बता दे बिहार में जो 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद वह बाढ़ से पूरे तौर पर मुक्त हुआ हो। और खास करके आज़ादी का अमृत उत्सव है, मैं चंपारण का सांसद हूँ, चंपारण में कम से कम 5 ही बीघा जमीन बता दें जो इन्होंने बाढ़ से मुक्त किया हो। इतनी राशि खर्च करने के बावजूद भी नीतीश जी से मेरा यह भी अनुरोध रहेगा कि उनका जल संसाधन का वही हाल है। शिक्षा का हम लोगों ने 1,15,000 शिक्षकों की नौकरी पहले से तय कर दिया गया था, आज भी 10 महीना से लटका रहे थे तो मुझे समझ में आ रहा था क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा जागृत हो गई थी प्रधानमंत्री बनने की और वह नहीं चाहते थे कि जब भाजपा उनके सहयोग में है तब वह शिक्षकों के नियोजन वाली नौकरी दें। आज उनके महागठबंधन में वह बहुत खुश हैं, तो कम से कम 1,15,000 शिक्षकों की जो नौकरी पहले से तय थी उतना जरूर दें, यही मैंने उनसे अनुरोध किया है। और पुण्यतिथि पहली बार शुरू हुई है तो क्या यह सभी हमारे राष्ट्र नायकों की भी पुण्यतिथि मनाएंगे या इस बार केवल चूंकि गृह मंत्री जी जा रहे हैं जयंती पर इस डर से अचानक कल याद करके पुण्यतिथि जयप्रकाश जी की मनाने का बिहार सरकार यह क्या ढोंग करी है? क्योंकि दिल से रहता तो नीतीश जी, सुशील जी, लालू जी सभी जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति से निकले हैं और आज सबसे दुखद बात यह है कि जयप्रकाश नारायण क्रांति से निकले हुए लोग आज कांग्रेस की गोदी में बैठ के परिवारवाद की गोदी में बैठ करके जयप्रकाश नारायण जी पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिन्होंने जीवन भर कांग्रेस और परिवारवाद का विरोध किया। आज हमारी
चुनाव समिति की बैठक है और कोर कमेटी की बैठक है। आज चुनाव समिति में सभी नामों की चर्चा होगी और जो नाम चुनाव समिति से छन के आएगी वह हम पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे और चुनाव समिति के बाद आप लोगों को निश्चित बताएंगे। यह हम चुनाव निश्चित तौर पर जीतेंगे। मैं खुद मोकामा गया हूँ, मोकामा में अगर किसी ने अपराध को बढ़ावा दिया तो उस व्यक्ति का नाम उस समय के मोकामा के सांसद बाढ़ के सांसद नीतीश कुमार जी हैं, जिन्होंने मोकामा में उस समय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष रामजीवन सिंह किसी अपराधी को टिकट देने नहीं जा रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जबरदस्ती मजबूर किया, तीन दिन तक नाटक करते रहे और एक अपराधी को टिकट दे के दिलीप सिंह को मोकामा की धरती को खराब करने का काम किया है। मैं घूम के आया हूँ, टाल योजनाएं प्रधानमंत्री ने बनाई थी, जानबूझ के उन्होंने रखवाया, प्रधानमंत्री खुद मोकामा टाल के कार्यक्रम करने, एक शब्द भी उन्होंने मोकामा टाल के लिए नहीं बोला। उस पूरी समस्या को उन्होंने बाढ़ के रूप में तब्दील कर दिया। मोकामा के लोगों में इतनी नाराजगी है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिसको भी टिकट देगी वही वहां से विधायक होगा। मैंने पहले ही कहा कि इस बिहार में अपराधियों को फंसाते भी वही हैं, बचाते भी वही हैं। मोकामा में पहली बार अगर किसी ने अपराधी को टिकट देने का काम किया तो वह उस समय के सांसद नीतीश कुमार जी ने किया था दिलीप सिंह को, और जब कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाए तो भी वह जानते थे कि यह वारंटी है, उसके बावजूद बनाए, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ एक विवाद था जिसके कारण उन लोगों ने सभी उसको सब रिलीज किया बाद में, और बाद में रिलीज करके हटाया, और आज तेजस्वी जी के डर से वह कार्तिकेय सिंह खुलेआम घूम रहा है, लेकिन नीतीश कुमार जी चूंकि एक रबर स्टैम्प मुख्यमंत्री हैं इसलिए उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि जो व्यक्ति खुलेआम मोकामा में दौरा कर रहा हो उसको पकड़ने की भी हिम्मत पुलिस से करवाएं। सवाल है, सीबीआई ने चार्जशीट किया है, एक मिनट के ना, सीबीआई ने चार्जशीट किया है, मुख्यमंत्री से अभी अपने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार जो है सीबीआई से यही सारी चीजें करवाती है और कुछ नहीं मिलता। नीतीश कुमार जी यह बोले कि उन्होंने और ललन सिंह ने 2008 में जो जमीन के कागजात दिए थे वह झूठे थे। नीतीश कुमार जी यह बोले कि जो यह इतना साफ साफ है कि जमीन लालू जी के परिवार को मिलता है और उनको सरकारी नौकरी मिलती है यह झूठ है। आज यह बिहार में और भारत में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था में यह है, हमने देखा है कि इंदिरा गांधी की हत्या उनके निवास पे हुई तो भी 11 वर्ष लग गए फांसी देने में। वो कानून अपना काम कर रहा है और कानून जिस तरह से कर रहा है वह करेगा ही। पहले तो नीतीश कुमार जी ही परेशान रहते थे जब भाजपा के साथ थे कि तेजस्वी जी को आप लोग जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं, जब ये कैसे वो नहीं बोलते थे, उनके लोग उनके सामने बोलते थे, तो उस समय तो सबके सामने बैठ के हम पर प्रेशर करवाया जाता था कि तेजस्वी जेल क्यों नहीं जा रहे हैं, और आज वही दूसरे तरह से पूछ रहे हैं। जो चीजें बिल्कुल सामने हैं और जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन दिया है वह जेल जाएंगे। सब समर्थन करेंगे जदयू जब उनके मुख्यमंत्री तेजस्वी जी के रबर स्टैंप मुख्यमंत्री हैं, तो जदयू के लोगों के पास चारा क्या है, उनके मुख्यमंत्री का कोई काम नहीं है, जो तेजस्वी जी आदेश करेंगे उसका पालन करना। प्रधान किशोर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो आपकी ही टीम है और आप ही के लिए वो काम कर रहे हैं, उन्होंने किसके लिए काम किया वह तो ज्यादा बेहतर नीतीश जी बता सकते हैं कि आज तक काम किसने किया है। यह अलग बात है कि नीतीश जी और वो दोनों साथ मिले, रात में बैठे, डील फाइनल नहीं हुई तो दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, या फिर किसी दिन रात को साथ बैठेंगे, कोई डील फाइनल हो जाएगी तो फिर दोनों साथ हो जाएंगे। भाजपा को बिहार में 2024 में 36 से ज़्यादा सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सांसद बिहार के रहें, यही हमारा लक्ष्य है और यह बिहार की जनता जरूर देगी।